एडू एजाइल के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में दी हुई 12 अनुसूचियां। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं और हर एक एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक मिनट सिर्फ आप हमको दीजिए और हम अभी कभी सारी की सारी अनुसूचियां आपको याद करवाने वाले हैं। देखिए, पहला बताता है आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये पार्ट में भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे वाले के लिए हमने सिर्फ एक बात बोली कि दो नंबरिंग काम करेंगे तो वेतन ज्यादा होगा, तो दूसरा बताता है वेतन के बारे में, क्लियर। तीसरा बताता है शपथ, हमने एक वर्ड बोला शपथ, तो ये बताता है आपका शपथ के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। यहां पे प्रधानमंत्री की वर्णित नहीं है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, चौथे के लिए हमने सिर्फ एक वर्ड बोला प्रतिनिधि, बस और कुछ नहीं। चौथा बताता है आपका प्रतिनिधि मतलब कि राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यों से कितने लोग जाके बैठेंगे इसके बारे में, सिंपल सा चार, क्लियर। पहला नंबर बताइए आप जरा हमको, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, अभी 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, दो नंबर ही काम करोगे तो वेतन ज्यादा, ये क्लियर हो गया। तीसरा बताता है शपथ मतलब शपथ के बारे में। चौथा प्रतिनिधि मतलब कि राज्यों से राज्यसभा में जाके कितने लोग बैठेंगे। पांचवी के लिए हमने सिर्फ एक ट्रिक बोली सिंपल सी कि पांचवी क्लास का बच्चा, वो बच्चा जो SC ST का है, पांचवी क्लास पास करने वाला भी बहुत ज्यादा होनहार होता है, तो आप तुरंत जैसे ही आपको आई अनुसूची पांच बोला तो आप तुरंत बोल दोगे कि पांचवी क्लास का बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा होनहार होता है। किसका? SC ST का। तो पांचवा SC ST से संबंधित एरिया के बारे में, क्षेत्र के बारे में आपका बताता है। छठवां देखिए, छह के लिए हमने एक बात बोली कि अरे मित्र वाह क्या सिक्स मारे। दो फ्रेंड आपस में मैच खेल रहे थे, एक दोस्त ने सिक्स मारा, ठीक है। दूसरा दोस्त बोलता है अरे मित्र वाह क्या सिक्स मारे। इससे आप कैसे याद रखोगे? देखिए, अरे मित्र आ से असम, रे को मे में बदलो मेघालय, मित्र मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। अच्छा, इस वाले में आपका मणिपुर नहीं है, दिमाग में एकदम बैठा लेना है, क्लियर। चलिए, छह तक हमने देख लिया, सातवां देखिए। हमने एक बात बोली सिर्फ कि अगर आप साथ साथ रहोगे तो बंटवारा नहीं होगा, साथ साथ रहेंगे तो बंटवारा नहीं होगा, क्लियर है आपको। साथ साथ रहते तो बंटवारा नहीं होता है, तो साथ साथ से साथ आ गया और बंटवारा से क्या आ गया? डिवीजन, मतलब कि पावर का डिवीजन। कौन कौन से लिस्ट है? तीन लिस्ट में, संघ राज्य संवर्ती, इंग्लिश में देखें तो फेडरल स्टेट और कंकरेंट, क्लियर। पहला क्या बताता है आपका? संघ में सिर्फ और सिर्फ शक्तियां केंद्र के पास है, राज्य में राज्य के पास है और आपका संवर्ती में दोनों के पास है। अच्छा, अगर आपका क्या हो गया, डिस्प्यूट आ गया दोनों में, तो फिर केंद्र के पास चला जाएगा। सात क्लियर। आठवां देखिए, आठ के लिए हमने सिर्फ एक बात बोली, आ भा, आ से आठ, भा से भाषा, तो 22 भाषाओं के बारे में आठवीं बताती है, क्लियर। नौवां देखिए, नौवीं के लिए हमने ये बोला कि आठवीं पास करने के बाद बच्चा जब नौवीं क्लास में पहुंचता है तो उसके बहुत ज्यादा पर निकल आते हैं, क्लियर। अच्छा, पर निकल आए तो वो पापा से बोलता है अपने कि एक काम करिए, हमारा हिस्सा बांट दीजिए, है ना। तो पापा, आपको तो पता है क्या ही मिलेंगे, नहीं बोल सकते यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपत्ति से संबंधित आपका नौवां हो जाता है। दसवां क्या बताता है? दसवां से बस आप बोलोगे दा से दस, दा से दल बदल, एंटी डिफेक्शन के बारे में, तो दा से दस, दा से दल बदल, खत्म। कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं आई होगी। ग्यारहवां देखिए, हमने एक बात बोली कि एक अकेला पंचायत नहीं कर सकता, एक और चाहिए, एक और एक 11 हो गए ना, एक और एक 11, तो 11 पंचायत। और बारहवां, नगरीय सुशासन व्यवस्था, जो बचा बारहवीं में डाल दो, खत्म हो गया काम। 12 के 12 अनुसूचियां आपको याद हो गई हैं, अब आप जल्दी से क्वेश्चन लगाइए, उठाइए, CGL से लेके UPSC से लेके हर जगह क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं इससे आपको, क्लियर। अब 30 सेकंड के अंदर इसको हम आपको रिकॉल कराते हैं। पहला, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में, दो नंबर ही काम करेंगे तो वेतन ज्यादा, शपथ, तीसरा, चौथा प्रतिनिधि, पांचवा SC ST का बच्चा क्या कर रहा था, होनहार था, मतलब SC ST से संबंधित, अरे मित्र वहां क्या सिक्स मारे, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, खत्म। सातवां क्या बताता है? साथ साथ रहेंगे तो बंटवारा नहीं होगा शक्तियों का। आठवां क्या बताता है? सिंपल सा, आभा 22 भाषा। नौवां, संपत्ति से संबंधित।